हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम व्लॉग्स। और आज मैंने एक पैकेज मंगाया है, एक प्रोडक्ट मंगाया है जिसका मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा। पैकेजिंग की जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है और ये कुछ इस तरीके से इसकी कंडीशन है। ये मेरा नाम पता एड्रेस है जो हाइड हो चुका है अभी, ठीक है, आपके सामने से। और आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कंडीशन मिलती है फ्लिपकार्ट से। अब मैंने जो कुरियर बॉय उसको भी मैंने शिकायत की थी, भाई ये क्या तुम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि अभी मैं किस चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ। बेसिकली इससे पहले मैंने पीनट डिज़ानों का है, जो पीनट बटर है, क्रीमी फ्लेवर है, उसका वीडियो बनाया था। अभी बताएंगे कि जो अभी मैंने नया पीनट बटर परचेज़ किया है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अपने प्यारे से कागज़ की तो कागज़ की सर्जरी करने पड़ेगी हमें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही फटा हुआ था हमारा प्यारा सा पीनट बटर। बस ये लिक्विड फ्लो नहीं होना चाहिए इसमें से, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो हम यहाँ बोल सकते हैं कि लिक्विड फ्लो नहीं हुआ है। और इसके साथ में क्या मिला है, तो इसके साथ में मुझे स्लिप मिली, ठीक है। तो ये कुछ मिला है, आप देख सकते हैं। अब बॉक्स को साइड में हटाते हैं और देखते हैं कि ओहो भाई साहब, ये देखो इस तरीके से मुझे मिला है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बिल है और यहाँ पे 202 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे अब आप क्या बिलीव करोगे, मैं इसलिए फ्लिपकार्ट से परचेज़ नहीं करता हूँ। अभी ये लिक्विड फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आइए आप देखिए, ये फिर से लिक्विड फ्लो हो चुका है, ठीक है ना। ये सबसे घटिया चीज़ मुझे लगी है इसकी कि लिक्विड फ्लो हो चुका है और ये देखो सारा जो तेल है वो इधर लग चुका है मेरा, ठीक है ना। तो ये पैक्ड माल नहीं है, ये सील पैक्ड नहीं है, ये आप देख लीजिए, आपके सामने खोला हूँ मैं ये चीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से चेक होता है जो माल है, जो मटेरियल है, जो बॉक्स पैकेजिंग भी जो फ्लिपकार्ट की तरफ से मिला वो भी मुझे ओपन बॉक्स मिला था और इसकी जानकारी मैंने आपको कुरियर बॉय को भी दी थी और ये यहाँ से भी फट गया है, ठीक है ना। तो अभी इसकी कंप्लेंट करते हैं हम, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। पीनट बटर आ गया, पीनट बटर विद फ्लोरियन सलाद। और प्राइस आप देख सकते हैं इसकी, अभी जस्ट बना है लास्ट मंथ में, ठीक है, अभी एक महीना ही उसका हुआ है। और 285 रुपये प्रिंट रेट है और ये लिक्विड फ्लो हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। पीनट बटर क्रंची, वेट 1 kg है इसका, ठीक है। तो ये इतना कुछ लिखा हुआ है। सो अभी ये लिक्विड फ्लो हो चुका है, तो अभी इसके बारे में मैं क्या बोलूँ आपको। अभी मैं इस वीडियो बनाते से अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और एक बार कस्टमर केयर से मैं बात कर लेता हूँ, देन मैं इसको वीडियो को आगे आपको बताऊँगा कि वीडियो कैसा है, ठीक है। पर ऐसा इस तरह से फ्लो मिलेगा तो भाई बहुत गलत है, ठीक है ना, बहुत गलत है ये। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पैकेजिंग है इसकी ओपन मिली और जितना भी ऑयल था वो सब कुछ चला गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन करके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये मुझे मिला है, ठीक है। पैकेजिंग जो है अभी ये आप देखिए, जितना भी ऑयल था इसका वो सारा निकल चुका है, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से मुझे मिला है, ठीक है। अब ये इसमें हल्का सा क्रंची है, मतलब क्रंची फ्लेवर भी है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हल्का सा क्रंची फ्लेवर भी मिलेगा इसमें। एंड जो ऑयल था इसका वो सारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो सील पैक नहीं था और सारा ऑयल निकल चुका है। तो अभी इसको हम टेस्ट करके अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसका फ्लेवर है और कैसे डिफरेंट है डिज़ानो पीनट बटर से, जो क्रीमी है फ्लेवर और ये क्रंची है, ठीक है ना, इसमें कितना डिफरेंस है। कंपेयर करें तो क्रीमी जो है ये पूरा सॉफ्ट एंड माइल्ड है, ठीक है, और इसका टेस्ट भी ठीक है, अच्छा है, और हल्का सा आपको स्वीट एंड सॉल्टी मिलेगा, ठीक है, जो कि नेचुरल है। एंड इसमें जो टॉप लेयर पे थोड़ा ऑयल भी है जिसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है और एक हल्का सा क्रंची फ्लेवर भी आ रहा है। इसमें जो दाने हैं, जो मूँगफली के जो दाने हैं, उसका अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से हमें मिलता है। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसमें मेन 25% प्रोटीन है, ठीक है, जो कि इसमें भी है, एंड जो सारा डाटा है ये, और इसमें ये लिखा रखा है कि इसके अंदर क्या क्या है और चीज़ें, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है। एंड ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, पर
पैकेजिंग में मैं कहूँगा कंपनी को कि कंपनी ध्यान रखे कि इसकी जो सील है उसको अच्छे से प्रिपेयर करे, पैक करे, ताकि और जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिले लेने में, ना कि उनका जो, अगर आप अच्छा मटेरियल बना रहे हैं तो सील में काफ़ी मतलब ध्यान दें सर प्लीज़, मैं कंपनी को यही कहूँगा यहाँ पे। इसमें डिफरेंस यही है इसमें और इसमें कि इसमें हल्का सा आपको मूंगफली का फ्लेवर मिलेगा, जो कि अभी मैं मतलब इतना ये है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पूरे मुंह में घुल चुका है। तो काफ़ी अच्छा है ये पीनट बटर, जो डिज़ाइनो ब्रांड है, सब चीज़ नेचुरल है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बस सील पैक में थोड़ा ध्यान देना है। और मुझे ये मिला था 209 रुपए में, ठीक है। तो अभी आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे डील मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो है ये लगभग ख़त्म हो चुका है और इसको मैं फ्रीज में रखता हूँ, इसको भी फ्रीज में रखूँगा मैं। तो ये इस तरीके से है, ये थोड़ा अभी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है वो सब दोनों सेम सामान मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले जो इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरीके से मिलती थी, अभी इसकी जो पैकेजिंग है वो चेंज हो चुकी है, लंबा प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है और मुझे काफ़ी पसंद आया। कंपेयर करूँ तो अगर आप इन दोनों में से लेने के लिए कहूँ तो मैं कहूँगा कि आप ये लें, ये ना लें, ठीक है ना। ये अच्छा है इससे, क्योंकि इसमें क्रंची फ्लेवर आएगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये था वीडियो आज का, ठीक है ना। किस तरीके से मिलता है वो ये है, ऑयल इसमें था वो सारा निकल चुका है, ठीक है ना। तो ऑयल सारा निकल चुका है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसका जो बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन दोनों का प्रॉपरली पूरा कंपैरिजन करूंगा कि ये कौन सा अच्छा है और डिटेल में, ठीक है। तो ये है वीडियो, थैंक यू सो